दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2019-20 के संबंध में। ठीक है, ये आपकी 2021 में निकाली गई थी और ये भर्ती लगभग 2300+ पोस्ट के करीब जो पोस्ट थी आपकी उनको लेकर एक नई अपडेट यहाँ पर जारी हुआ है। और इसमें यहाँ पर जो है धांधली के आरोप भी लगाए गए हैं और इसको लेकर जो है शिक्षा निदेशक के द्वारा एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। और वहीं यहाँ पर सीटेट इनवैलिड को लेकर जो है काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो है अपडेट आया हुआ है। तो जानते हैं इसमें पूरा अपडेट क्या है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अभी तक काउंसलिंग में प्रतिभाग किया है या जिनका यहाँ पर नाम आ रखा लिस्ट में, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है या आपकी वेटिंग लिस्ट वाले हैं तो उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट, क्योंकि यहाँ पर जो है अब किस तरह का खेल हुआ है वो आप लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, मामला यह है कि उत्तराखंड में सीटेट पात्रता अभ्यर्थी को लेकर एक बड़ी अपडेट है। इसमें आप लोग यहाँ पर देखते हैं लगभग जो है 64 जो उर्दू शिक्षक थे उनको लेकर एक भर्ती में बड़ा खेल हुआ है और यहाँ पर जो है सामने आया है। और साथ ही यहाँ पर जो है कहा गया है कि लगभग जो है यहाँ पर सीटेट तीन अभ्यर्थी जो है सीटेट जो पात्र परीक्षा होती है आपकी उसके आधार पर जो है नियुक्ति पाए गए हैं, जबकि यहाँ पर जो है 31 अभ्यर्थी को जो है उत्तराखंड की जो यहाँ पर टेट होता है यू टेट होता है 90% से कम अंक के बावजूद भी यहाँ पर जो है सामान्य अभ्यर्थियों के पद पर जो है यहाँ पर नियुक्ति दे दी गई। जबकि आपको पता है कि सामान्य अभ्यर्थियों को जो है 60% नंबर लेके आने पड़ते हैं, लेकिन 90 नंबर लेके आने पड़ते हैं सीटेट या यूटेट में, लेकिन 90 से कम वाले अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर जो है सामान्य पदों पर जो है नियुक्ति दे दी है। इस तरह का यहाँ पर मामला आया है। साथ में ये भी कहा गया कि प्रदेश में यहाँ पर जो है सहायक अध्यापक ने कि आपकी जो लगभग इतने पोस्ट अभी भर्ती प्रक्रिया ऐसी चली हुई है उस पर जो है यहाँ पर कहा गया है कि उन अभ्यर्थियों की जो है नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी है जिनका यहाँ पर जो है वर्ष 2012 से लेकर 18 तक का सीटेट जो है एम जो है आपके यू टेट, ठीक है, सीटेट और यू टेट में 2012 से लेकर 18 तक का यहाँ पर रोक लगाई है शिक्षा विभाग के द्वारा। और इसको लेकर जो है बी एड मान्य ना होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है कहा गया है कि गलत तथ्य दर्शाकर इसके आधार पर जो यहाँ पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो है सम्मिलित हुए, तो गलत तथ्य दिखाकर इस भर्ती में शामिल हुए ऐसा बताया गया है। और हाईकोर्ट के एक आदेश में यहाँ पर विभाग की ओर से यहाँ पर इस मामले में दाखिल जो याचिका है उसका निपटारा करते हुए विभाग ने ऐसे अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पर जो है रोक लगाई है जिनका सीटेट या यूटेट 2012 से 18 तक के बीच में हो उनको रोक लगाई है ऐसा बताया गया है। उसी में यहाँ पर जो है 64 जो उर्दू शिक्षक हैं उनमें जो है कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सीटेट के आधार पर जो है नियुक्ति इनको मिली है तो इसी पर जो है आरोप लगा है। तो वहीं यहाँ पर शिक्षा निदेशक के द्वारा अब कहा गया है कि उर्दू शिक्षकों की भर्ती में जहाँ पर गड़बड़ी को लेकर जो है विभाग को जो यहाँ पर शिकायत मिली है और इसके आधार पर जो यहाँ पर संबंधित जो अधिकारी होंगे रिपोर्ट की मांग की जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर कहा गया है जरूरत पड़ने पर जो है पूरे प्रकरण की यहाँ पर जो है जाँच कराई जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं अब यहाँ पर पूरे प्रकरण की जाँच भी हो सकती है और जो भी यहाँ पर संबंधित विभाग हैं उनको यहाँ पर जो शिकायत मिली है उसकी रिपोर्ट जो है मांगी है कि क्या मामला है पूरी तरीके से इस तरह का यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, पात्र ना होने के बावजूद जो है यहाँ पर सीटेट जो है करने वाले भी यहाँ पर जो है पाए गए नियुक्ति। तो यहाँ पर देखते हैं पात्रता कंप्लीट नहीं थी लेकिन उनको भी नियुक्ति दी है ऐसा यहाँ पर कहा गया, जबकि आप लोगों ने एक आदेश सुना होगा जो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर मेरे चैनल पर यूटेट को लेकर। ठीक है, यूटेट को लेकर एक ऑफिशियल आया हुआ है, ठीक है, सॉरी सीटेट को लेकर ऑफिशियल आया हुआ था, ठीक है, बल्कि उसको जो है चेक करने के लिए भी बोला गया था। यूटेट को लेकर ऑफिशियल तो नहीं आया था लेकिन शिक्षा निदेशक के एक बयान आए थे जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था, लेकिन वो अपात्र होने की वजह से कई लोग जो है यहाँ पर अपात्र वाले भी यहाँ पर नियुक्ति पा लिए गए हैं। तो इसी को लेकर एक आरोप लगा है उर्दू शिक्षकों पर भी, ठीक है, इसी वजह से अब इनकी जो है जांच करने के आदेश होंगे और इनकी रिपोर्ट मांगी गई है और गलत पाते हैं तो बिल्कुल ये इनकी जो नियुक्ति है वो कैंसिल भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की अपडेट है। आगामी जो आपके अभ्यर्थी हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में आएगा उनको भी जो है इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि उनकी नियुक्ति में भी रोक लग सके। ठीक है, लग सकती है क्योंकि यहाँ पर अगर आदेश जारी हो चुका है तो बिल्कुल डेफिनेटली जिनके यहाँ पर अपात्र वाले होंगे उनको नियुक्ति मिलना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो सकता है भाई। ठीक है।